गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने विशेषण की परिभाषा और विशेष्य क्या होता है ये समझा था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। एक बार विशेषण क्या है पुनः दोहरा लेते हैं। तो विशेषण क्या है, कैसा और कितना, माने संज्ञा और सर्वनाम के शब्द जो हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। किसी की विशेषता बताना माने वस्तु कैसी है, कितनी है, ये शब्द क्या है, विशेषण। और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह शब्द क्या है, विशेष्य। कल मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया था कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो हम जैसे एक उदाहरण से फिर समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। यह गाय सफेद है, ठीक है। तो गाय कैसी है बच्चों, सफेद है। तो कैसा शब्द, तो सफेद इसमें क्या है, विशेषण है। सफेद शब्द क्या हुआ, सफेद विशेषण, और गाय शब्द क्या है, विशेष्य। विशेष्य या आधा श से षटकोण है विशेष्य, क्योंकि इसकी मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या होते हैं, विशेष्य। तो इसमें गाय शब्द जो है विशेष्य है और सफेद शब्द जो है वह विशेषण है। तो ये आपने देखा, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य है। अब यहाँ हमारे विशेषण के भेद लिखे हैं। पहला भेद है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक माने माप तौल, संकेतवाचक। तो विशेषण का पहला भेद क्या है बच्चों, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। ये आपकी कनक व्याकरण बुक में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि विशेषण के कितने भेद हैं। कहीं कहीं पांच भेद भी लिखे हुए हैं। मेन चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। आइए इनको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ भी लेते हैं कि गुणवाचक क्या है। ये देखिए गुणवाचक, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, रूप, रंग, आकार, इन सब का जो बोध कराते हैं शब्द वह क्या कहलाते हैं, गुण। कि वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, लाल है, नीली है, छोटी है, बड़ी है, तो उसके गुण बताते हैं जो, वो गुणवाचक होते हैं। समझ में आया। अब है हमारा बच्चों दूसरा अब देखिए संख्यावाचक माने कोई भी वस्तु की संख्या बताना कि वो एक है, दो है, चार है,
ये जो संख्या बताते हैं ये शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक। गुण में क्या पढ़ा था हमने? उसका रूप, रंग, गुण, आकार बताने वाले किसके? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के। और संख्या जो शब्दों की, मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो संख्या बताते हैं, जैसे एक है, दो है, चार है, तो वह शब्द क्या कहलाए? संख्यावाचक। अब तीसरा है बच्चों, ये देखिए, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। बच्चों हमारा बोर्ड छोटा है, इसलिए मुझे आपको बार बार इरेज करके समझाना पड़ता है। परिमाणवाचक माने माप तौल, किसी चीज को नापना कि वह एक किलो है, दो किलो है, एक लीटर है, कुछ है। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने पूछा हमसे कि सेब कितने हैं, तो जब हमारे सामने सेब रखे हैं तो हम उसे जल्दी से नहीं गिनते हैं, तो कह देते हैं कुछ रखे हैं, कुछ ही होंगे। तो कुछ माने संख्या इसमें निश्चित नहीं है। तो परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। निश्चित में जब हमें संख्या मालूम है कि चीज़ कितनी है, और जब हमें नहीं पता होता कि चीज़ कितनी है तो वह अनिश्चित हो जाती है, माने हमें उसकी माप तौल का ज्ञात नहीं है। तो माप तौल परिमाणवाचक, उसमें इस तरह के शब्द आते हैं बच्चों। संकेतवाचक माने हम संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि यह, वह, कोई, माने यह, गाय नीली है, सॉरी सफेद है, या लाल है, या भूरी है, तो इसमें क्या है? संकेतवाचक। यह, ये शब्द जो क्या है, संकेत कर रहा है कि यह, यह माने वह पेड़ ऊंचा है, कोई मुझे बुला रहा है। तो ये जो शब्द हैं बच्चों, ये संकेत बता रहे हैं, तो ये संकेतवाचक हुए। तो आपने समझा विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। चार गुण हैं, चार हमने भेद पढ़े इनके। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? अब इसके मैंने कुछ खाली स्थान बनाकर बच्चों आपको असाइनमेंट में दिए हैं। वो खाली स्थान आपकी, ये देखिए, कनक अभ्यास पुस्तक में भी दिए हुए हैं। इन्हें हम समझ लेते हैं, आपको मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ दो दो शब्द भी दिए हैं, इसमें से सही शब्द चुनकर हमें यहाँ लिखना है। पेज नंबर 29, ये आपकी कनक व्याकरण बुक है। ये देखिए, मैंने एक डैश जंगल देखा। जंगल कैसा होता है? घना, गहरा नहीं होता, इसलिए यहाँ घना शब्द लिखा है। ये एक आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, एक आंसर उसमें ऑलरेडी फिल है। अब ये देखते हैं, पिताजी बाजार से डैश केले लाए। केले लाए, यहाँ बहुवचन है बच्चों, तो एक नहीं आएगा, एक दर्जन। दर्जन जानते हैं आप? दर्जन में
कोई भी वस्तु 12 होती है, 12। तो पिताजी बाजार से क्या लाए, 1 दर्जन। तो हम यहाँ भर लेते हैं 1 दर्जन, ठीक है। अब उदित ने डैश कमीज पहनी, ऊंची नहीं पीली। पीली शब्द क्या है इसमें, विशेषण। किसान बहुत डैश होता है, खट्टा नहीं परिश्रमी। परिश्रमी माने मेहनती। तो मेहनती शब्द क्या है, विशेषण है। मेहनती कौन है, किसान। किसान क्या है इसमें, विशेष। राजा राम बहुत डैश थे, क्या थे, दयालु। इसमें दयालु शब्द क्या है, विशेषण है, और राजा राम विशेष्य है। तो समझा बच्चों आपने, ये असाइनमेंट में मैंने दिया है आपको। इसके अलावा और भी कार्य दिया है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कल हम इसे और एक्सरसाइज से समझेंगे कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। धन्यवाद।